नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में यूपी शिक्षक भर्ती को लेके। अब अगर बात करें तो लगभग 6 साल हो गए हैं यूपी में प्राइमरी के टीचर्स की कोई नई भर्ती नहीं हुई है। लास्ट टाइम 69,000 भर्ती हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया है कोई भर्ती नहीं हुई है। जूनियर की भर्ती वैसे होती ही नहीं यूपी में, और अगर बात करें टीजीटी पीजीटी तो वो भी लगभग 2-3 साल से पेंडिंग ही पड़ा है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी नई अध्यक्ष बनी है, नई अध्यक्ष बनने के बाद काफ़ी कुछ दबाव भी बन रहा है, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, काफ़ी हर तरीके से दबाव बन रहा है। इतने दबाव के बाद नए अध्यक्ष ने ज्वाइनिंग के बाद एक मीटिंग बुलाई, पहली बैठक की, और उसमें कुछ खाका तैयार किया गया है। पहला खाका ये तैयार किया गया, उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कैलेंडर जारी करने पर किया गया है। कैलेंडर के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी से जुड़े मुद्दों पर संज्ञान लेगी, जांच पड़ताल करेगी, और इसे टाइम दिया गया है 10 दिन का। इसे टाइम दिया गया है कि 10 दिन का, 10 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है, कमेटी 10 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब कमेटी को क्या जांच पड़ताल करना है कि कौन कौन सी वैकेंसियों का कब एग्जाम है, साथ ही साथ अभी हमारे पास लगभग कितने पोस्ट हैं, कितने पोस्ट पर हमें वैकेंसियां करनी है, उसका क्या शेड्यूलिंग होगा, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये कमेटी डिसाइड करेगी। उसके बाद 10 दिन में वो कैलेंडर बनाएगी। जब 10 दिन में ये कैलेंडर बना के देगी, उसके बाद कैलेंडर का अप्रूवल होगा और इस तरीके से लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कब कब क्या होने वाला है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। जो यहाँ पर सबसे बड़ा 2-3 इशू है वो समझना सबसे ज़रूरी। पहला इशू ये है कि यूपी टेट होगा या फिर सीधे सुपर टेट होगा। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 90% से भी ज़्यादा चांस है कि पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम यूपी टेट हुआ था उसके बाद से अपनी डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका ही नहीं मिला टेट देने का। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सीटेट वगैरह पास नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो लोग भी प्रयास करेंगे कि हमें सबसे पहले यूपी टेट देने का मौका मिले, यूपी टेट पास करने के बाद फिर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए और हम अप्लाई कर पाएँ। तो 90% चांस है कि पहले यूपी टेट होगा, यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट आपका होगा। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और देखनी है कि जो यूपी टेट होने वाला है, जो आपका यूपी टेट होगा, कि इसका सिलेबस क्या कुछ चेंज हो सकता है क्या? तो मे बी इसका सिलेबस कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, इस बार जो आपको यूपी टेट देने को मिलेगा, हो सकता है इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, इसमें पेडागॉजिकल पोर्शन बढ़े। पहले क्या होता था, ज़्यादा पेडागॉजी नहीं पूछा जाता था यूपी टेट में, लेकिन हो सकता है इसकी मात्रा बढ़ाया जाए। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट सेम ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के नेचर में चेंज हो सकता है, पेपर के नेचर में चेंज हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आप चेंज यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नया आयोग बना है तो चीजें एक नए तरीके से देखने को आपको मिल सकती हैं। पहली बात यह है कि यूपी टेट आपका होने वाला है, यूपी टेट के बाद ही कोई वैकेंसी आएगी। सेकंड यह है कि आपका जो प्राइमरी की वैकेंसी है इसका निकलना लगभग मैं कह सकता हूं कि 100% श्योर हो गया है। ठीक है, प्राइमरी की वैकेंसी लगभग 100% श्योर हो गया है कि निकलेगी, कितने पोस्ट निकलेंगे ये श्योर नहीं है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हम मांग कर रहे हैं कि 70-80 हज़ार पोस्ट निकाला जाए, 70 से 80 हज़ार पोस्ट निकाला जाए, बट मुझे नहीं लगता कि 70 से 80 हज़ार के करीब पोस्ट आएंगे, क्योंकि अगर इतने पोस्ट एक बार में भर दिए जाएंगे तो फिर आने वाले समय में कोई पोस्ट ही नहीं बचेगी, तो जो और बच्चे होंगे उनका क्या होगा। फिर भी ये पूरी तरह से सरकार और आयोग के ऊपर है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये पक्का है कि प्राइमरी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, या तो इस साल के लास्ट में ही देखने को मिल जाए या फिर अगले साल के स्टार्ट में आपको देखने को मिल जाए। ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जिस दिन कैलेंडर जारी हो जाएगा, और 10 दिन का समय मांगा गया है कैलेंडर जारी होने के लिए, तो 10 दिन में लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आयोग को कुछ एग्जाम भी करवाने हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे जो पेंडिंग एग्जाम उनको भी करवाना है, तो वो कैसे कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ डिपेंड करता है उस कैलेंडर के ऊपर कि कैलेंडर में क्या चीज़ें कैसे सुनिश्चित की जाती हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देना चाहा वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।